तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में और देखेंगे कि इसे कुछ सामान्य चीजों से कैसे बनाया जा सकता है। आप सबने कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र के बारे में जरूर पढ़ा या देखा होगा। तो ऐसा सोच लो कि आज हम चुंबकीय बलों की बजाय इलेक्ट्रोस्टेटिक से प्रभावित होता हुआ एक कंपास बनाएंगे, जिसका उपयोग हम दिशा की बजाय इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेपर और स्ट्रॉ की मदद से एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्कोप जैसा ही कुछ साधन बनाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। एक स्ट्रो चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, इसका स्टैंड बना ले कोई भी एक आपके लिए वस्तु चाहिए जिसपे आप इसको पेंसिल को यूं तरह के खड़ी कर सको। एक पेपर को आपको यूं मोड़ना है और उसके बाद आपको इसे यूं मोड़ना है ताकि वो सेंटर पे ऐसे इसे लगा सके। अब क्या करना है, स्ट्रो को आपको बालों पे ऐसे घिसना है। आपके बाल तेल वाले ना हो तो बेहतर है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए, तो अभी हमने बनाया बहुत ही साधारण सा इलेक्ट्रोस्कोप जैसा ही कुछ साधन बनाया जो इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति का पता लगाती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसा है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने साइकिल की तार से बनाया है, जिसको मोड़ के एक स्टैंड बनाया है, एक कॉपर कॉइल है और घर पे यूज़ की जाने वाली एल्यूमिनियम फॉइल है जिसकी दो ऐसी लीव्स है जो आप देख सकते हो। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैं एक पीवीसी लूंगा और एक वूल का टुकड़ा लूंगा। अभी आप देखोगे कि इस पे कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है, देख रहे हो। अब हम इसे घिसते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आज हम इस इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज बाय कंडक्शन और चार्ज बाय इंडक्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कॉइल से लेके इस एल्यूमिनियम तक, समझ लो कि 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। अब क्या होता है कि जब मैं इसको घिसता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, हमें पता है कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आप देख सकते हो। तो अब क्या होगा, जब मैं इसके पास लाता हूँ तो इसमें जितने भी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक साइड आ गए हैं, अब मैं इसके पास ला रहा हूँ तो इस पूरे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे रिपेल होके दूर जाएंगे। तो ऑब्वियसली दूर जाके कहाँ जाएंगे, यहाँ नीचे। तो अब देखते हैं इसको हम टच करते हैं क्या होता है। ये टच हो गया, अब देखो ये चार्ज है, ये दोनों। अब कौन सा चार्ज है, हम है विज्ञान के इंसान तो हम चेक करेंगे कि यहाँ इससे ये रिपल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भाग के नीचे गए हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसको देख रहे हो, ये रिपल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अब ये डिस्चार्ज हो गया क्योंकि ये छू लिया इसने। वापिस एक बार देखते हैं, तो जब मैं इसको यूं टच करता हूं और अब मैं ले लेता हूं तो देखिए कितनी देर तक ये चार्ज रहता है। तो ये भी आप इसके साथ देख सकते हैं, और जब मैं इसके पास ला रहा हूं तो ये दूर जा रहे हैं। और एक चीज होगी, जब मैं इसको और पास में लाऊंगा तो ये और दूर जाएंगे एक दूसरे से, देख रहे हो। और एक चीज देखते हैं, जैसे हमने बात की थी चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, तो अब हम देखेंगे चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है। तो वापिस से हम, अभी इसको डिस्चार्ज कर दिया मैंने इसको छू के, अब वापस से हम इसको घिसेंगे। जब मैं इसको इसके पास ला रहा हूँ और मैं छू रहा हूँ, मैंने छू लिया, अब छूने के बाद मैं इसको वापस दूर ले रहा हूँ, तो क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जगह मिल गई वो भाग के मेरे पास आ गए। अब देखते हैं कि इसमें यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे, इससे ये रिपेल होने की जगह अब अट्रैक्ट होने चाहिए, हो रहा है, देख सकते हो। अब मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो यह एक विज्ञान जगत में शुरुआती दिनों में यूज़ किया जाने वाला एक उपकरण था, जिसका उपयोग किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति के चेक करने का था। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज पता लगाने के लिए सैकड़ों या हजारों वोल्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग हाई वोल्टेज सोर्स जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन याद रहे, इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रिक चार्ज का सिर्फ एक रफ इंडिकेशन दे सकता है। और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्कोप बनाएं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए कोई भी प्रयोग करें, तो
तो ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही कम होना चाहिए, माना जाता है 40% से कम होना चाहिए, और पानी से दूर रहना है, समझ रहे हो। तो आपके दिमाग में होगा कि सबसे पहला इलेक्ट्रोस्कोप क्या था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोस्कोप एक पिवोटेड सुई था, जिसे वर्जोरियम कहा जाता है, जिसका आविष्कार ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट ने इसी सन 1600 के आसपास किया था। वर्जोरियम धातु की एक सुई है जो एक पेडिस्टल पर फ्रीली घूमता है, जैसे आप कंपास में देखते हो, लेकिन ये सुई अचुंबकीय होती है, जो चुंबकीय बलों की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक से प्रभावित होता है। जब इसकी खोज की गई थी तब चुंबकीय और विद्युत बलों की समझ बहुत ही कम थी लोगों में। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, ये साबित करने के लिए विलियम गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज की थी, जिसमें एक वर्जोरियम और एक था टेरिला, जिसे लैटिन में बोला जाता है छोटी पृथ्वी, जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया था। वास्तव में गिलबर्ट विद्युत शब्द की स्थापना के साथ चुंबकीय और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच का अंतर स्पष्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे ही हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के संबंधित ऐसे वीडियो देखेंगे, जैसे आज हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पैदा करने वाली मशीन जैसे कि वेंडीग्राफ के, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।